टीवी 9 भारतवर्ष आज आपको भारत की स्वदेशी ताकत से मिला रहा है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में आपने सुना होगा। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि सर्विलांस का काम करते हैं और सी एरियाज में ज्यादातर उनका इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हमारी जो नेवी है और हमारी कोस्ट गार्ड जो है वो खास तौर से डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। लेकिन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट किस तरह से सर्विलांस करता है, किस तरह के सिस्टम, किस तरह की मशीनरी उसके अंदर लगी है, आज टीवी 9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली आपको वो तस्वीर दिखा रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, जिसे हाल ही में, आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए HAL के साथ समझौता किया था। और कुछ दिन समय पहले मैं आपको बता दूं कि 2 डॉर्नियर विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ 458 करोड़ रुपए का समझौता किया गया था। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वही डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के अंदर किस तरह की मशीन लगी होती है, कि कैसे वो हमारी जो सीमाएं हैं, समुद्री सीमाएं हैं, उनकी रक्षा निर्धारित करता है, सर्विलांस करता है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो पूरी मशीन लगी हुई है, ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के अंदर ये मशीन लगी होती है और इसको एक ऑपरेटर लेकर बैठता है और वो सर्विलांस का पूरा काम करता है। आधुनिक खासियत इसके अंदर है, ये कई आधुनिक उपकरण से सुसज्जित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये जो मशीन है ये अंदर लगी होती है, अंदर सर्विलांस का काम करते हैं। मॉनिटर्स लगे हुए हैं, आप ये देखिए, ये जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं और 200 nm तक ये जो है सर्विलांस कर सकता है, यानी कि इतने बड़े एरिया को, इतने बड़े रेंज को ये कवर करता है। और यहाँ पर आप ये देखिए, मॉनिटरिंग जो लगी हुई है, और अंदर कोई भी अगर नीचे जमीन के अंदर कोई हरकत करता है, कुछ गलत एक्टिविटी होती है, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है। तो इस तरह की मशीनरी इसके अंदर लगी हुई है। वहीं अगर हम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को जो नीचे से, यानी कि ग्राउंड से जो ऑपरेटर ऑपरेट करता है रडार सिस्टम को, वो रडार सिस्टम इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। जो जैसे ये जो फ्लाइट है, ये देखिए, ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का ये तस्वीर दिख रही है। और जो मॉनिटर, जो रडार सिस्टम जो नीचे जमीन पर रह के इससे कनेक्ट रहता है, ये वो सिस्टम है। और इस तरीके से देखिए कितने बड़े एरिया का सर्विलांस ये कर सकता है। यह स्वदेशी ताकत है और इस वक्त हम इन स्वदेशी ताकत को ही दिखा रहे हैं कि अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित है, जिनमें ग्लास, कॉकपिट, समुद्री निगरानी, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स, इंफ्रारेड उपकरण और अभियान प्रबंधन प्रणाली जो है वो लगी हुई है। और ये तमाम जो है मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाए गए हैं। आत्मनिर्भरता हासिल करने का ये भारत के HAL का एक अहम योगदान है और भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो हमारी फोर्सेस हैं वो आत्मनिर्भर बने। और यहाँ पर हम आपको वही डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिखा रहे हैं। और मार्च के महीने में भी 6 विमानों की खरीद का निर्णय लिया गया था। 6 जो विमान थे डॉर्नियर, वो खरीदे गए थे, उनको लेकर समझौता किया गया था। और एयरफोर्स के पास भी इस तरह के विमान हैं, नेवी के पास भी हैं, और कोस्ट गार्ड भी जो है वो भी इस तरह के जो विमान हैं, डॉर्नियर विमान हैं, उनका इस्तेमाल कर रही हैं। और कैसी मशीनरी उसके अंदर लगी है वही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको दिखा रहा है कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के अंदर किस तरह की रडार सिस्टम लगे हुए हैं और सर्विलांस सिस्टम लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ अंजु निर्माण, टीवी 9 भारतवर्ष।